अब करते हैं क्वेश्चन 12। 12 क्वेश्चन कह रहा है, एक यौगिक C7H8 निम्नलिखित अभिक्रियाओं से गुजरता है। C7H8 की रिएक्शन 3Cl2 से करवाते हैं तो यहाँ एक प्रोडक्ट मिलता है, जिसकी रिएक्शन Br2 से करवाते हैं Fe की उपस्थिति में बी प्रोडक्ट मिलता है, जिसका रिडक्शन करते अपन Zn+HCl से तो सी प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ उत्पाद सी है। ऑप्शन आपके पास में चार है। पहला ऑप्शन देखेंगे 3-bromo-2-4-6-triclorotoluene, दूसरा ऑप्शन है ऑर्थोब्रोमोटोलुइन, तीसरा ऑप्शन है मेटाब्रोमोटोलुइन और चौथा ऑप्शन है पैराब्रोमोटोलुइन। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इन क्वेश्चन को करने से पूर्व हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में रिएक्शन कौन सी हो रही है, तथा रिएक्शन कौन सी हो रही है और प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अगर ये आपको पता चल जाएगा तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर रिएक्शन जो हो रही है हेलोजेनीकरण रिएक्शन हुई, इस हेलोजेनीकरण के द्वारा जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका जब रिडक्शन करेंगे तो आपको सी प्रोडक्ट मिलेगा, वो अपन स्वर होगा। तो आइए इन क्वेश्चन को अपन यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं यहाँ पर हेलोजेनीकरण की बात हो रही है। हेलोजेनीकरण हेलोजेनीकरण का मतलब होता है यहाँ पर कि एरोमेटिक यौगिकों में एरोमेटिक यौगिकों में हेलोजन का जुड़ना, क्या कहलाएगा? हेलोजेनीकरण कहलाएगा। ठीक है, एरोमेटिक यौगिकों में जब हेलोजन का जुड़ना हेलोजेनीकरण कहलाएगा। अब हेलोजेनीकरण की बात करो यहां पर आपके पास में जो ये वाला जो दिया है C7H8, हाँ यहां पर ध्यान रखना, अगर कार्बन की संख्या 6 से ज्यादा है तो समझ लेना कि वो कंपाउंड एरोमेटिक या साइक्लिक हो सकता है। तो C7H8 की बात करा तो यहां पर जो कंपाउंड बन रहा है वो एक तरह से कहनेकर इस तरह से ये वाला बनेगा, इसको अपन कह सकते हैं CH3, जिसको अपन टॉयलिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टॉयलिन। ठीक है, ये टॉयलिन। इस टॉयलिन के अंदर जब हेलोजेनीकरण रिएक्शन कराएंगे अपन तो दो तरह से हेलोजेनीकरण रिएक्शन हो सकती है। यहां पर एक तो होती है, यहां पर ए मानता हूं और यहां पर मानता हूं पी, दो तरह से रिएक्शन होती है। अगर मैं एक ए से कराता हूं AlCl3 की परचेज में, यहां पर AlCl3 की प्रेजेंस में जब इसका हेलोजेनीकरण करूंगा 3Cl2 से, तो यहां पर एक से एक ए पास से कराता हूं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो रिएक्शन होगी वो बेंजीन वाले पर होगी। कहां पर होगी? बेंजीन वाले पर अभिक्रिया। तो बेंजीन वाले पर अभिक्रिया होगी तो यहां से कहने का तो यहां ऑर्थो और पैरा पोजिशन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा और प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जिससे यहाँ पर इस तरह से ये प्रोडक्ट मिलेगा। एक तो मिल जाएगा ऑर्थोक्लोरोटोल्युइन और दूसरा जो मिलेगा जिसको अपन कहते हैं पैराक्लोरोटोल्युइन, ये मिलेगा। लेकिन मैं यहां पर बी पास से कराता हूं इसकी रिएक्शन, तो यहां पर क्या होगा? पार्श्व शाखा से होगा, पार्श्व शाखा पर हेलोजेनीकरण होगा। कहां पर होगा? हेलोजेनीकरण होगा, पार्श्व शाखा पर हेलोजेनीकरण होगा। पार्श्व शाखा का मतलब बेंजीन वाले से जो कार्बन श्रृंखला जुड़ी है वहां पर हेलोजेनीकरण रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन जो होती है हमेशा सूर्य की प्रकाश उपस्थिति में होती है, परावैंगिक किरणों की उपस्थिति में होती है। तो यहां पर जो बनेगा वो एक तरह से इस तरह से ये बन जाएगा, यहां पर CCl3 मतलब बेंजीन ट्राइक्लोरोमेथिन बनेगा। बेंजीन ट्राइक्लोरो क्या बनेगा? मेथिन। ठीक है ना, इसका जो नाम होता है जिसको अपन कह सकते हैं बेंजीन ट्राइक्लोरोमेथिन, ये बनेगा। ठीक है,
अब आपके पास में देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि थ्री शेयर टू को गर्म करेंगे। थ्री शेयर टू का मतलब आपके पास में जो रिएक्शन जो हो रही है टॉलोइन ये वाली रिएक्शन, जिससे क्या बनेगा बेंजीन ट्राइक्लोरोमेथेन। अभी इसे बेंजीन ट्राइक्लोरोमेथेन जो बन रहा है जिसको अपन ए प्रोडक्ट मानेंगे, क्या मानेंगे ए प्रोडक्ट मानेंगे। और इसकी रिएक्शन अगर मैं Br2 से कराता हूँ, यहाँ इसे कराता हूँ Br2 से Fe की प्रेजेंस में करा हुआ, तो यहाँ पर ब्रोमीन का जो अटैक होगा वो हमेशा मेटा पोजिशन पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो CCl3 है ये कहने का मेटा निर्देशी समूह है, मेटा निर्देशी समूह है, इस कारण से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा वो मेटा पोजिशन पर आक्रमण करेगा और जिससे ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा CCl3 और यहाँ पर आ जाएगा Br, क्या आ जाएगा Br आ जाएगा और यहाँ से HBr निकल जाएगा, ये बन गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, ये Zn प्लस HCl से रिएक्शन होती है, Zn प्लस क्या होती है Zn और HCl की वजह में रिडक्शन होता है यहाँ पर, तो HCl यहाँ पर लिखेंगे 3H2 से रिएक्शन कराएंगे तो 3HCl बाहर निकलेगा और पीछे क्या रहेगा यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा इस तरह से ये वाला मिल जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या आएगा Br आ जाएगा CH3 और Br, जिसको अपन कह सकते हैं मेटा ब्रोमो टॉयलेट, मेटा ब्रोमो टॉयलेट कहेंगे। तो इस तरह से ये वाला होता है। एक बार वापस समझेंगे, एक बार क्या कह रहा है यहाँ पर कि हेलोजनीकरण, पहले तो हेलोजनीकरण क्या होता है, हेलोजनीकरण का मतलब होता है कि एरोमेटिक यौगिक में हेलोजन का जुड़ना हेलोजनीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखता हूँ टॉल्यूम की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर C7H8 जो होता है एक तरह से टॉल्यूम का फॉर्मूला है, जब टॉल्यूम के अंदर हेलोजनीकरण रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर दो तरह से रिएक्शन होती है। अगर ये आप AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमेशा बेंजीन लेयर पर हेलोजन का प्रतिस्थापन होगा, हेलोजन जुड़ेगा जिससे ऑर्थो और पैरा कुछ ऑर्थो वो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। यदि आप प्रकाश की उपस्थिति में पराबैंगनी की उपस्थिति में या उसको गर्म करेंगे तो हमेशा पार्श्व श्रृंखला पर हेलोजनीकरण होगा जिससे एकमात्र प्रोडक्ट बनेगा, वो कहने का क्या बनेगा पार्श्व श्रृंखला पर हुआ एक ही प्रोडक्ट बनेगा जिसको अपन कह सकते हैं बेंजीन ट्राइक्लोरोमेथेन बनेगा। अब इसकी जो रिएक्शन अगर आप Br2 से कराएंगे Fe की प्रेजेंस में तो यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि CCl3 जो है मेटा निर्देशी समूह, तो यहाँ पर एक मेटा प्रोडक्ट मिला जिसका कहने का रिडक्शन कराएंगे तो मेटा ब्रोमो टॉल्यूम मिलेगा, मेटा ब्रोमो टॉल्यूम मिलेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, तो यहाँ पर जो सी प्रोडक्ट होगा वो क्या हो सकता है मेटा ब्रोमो टॉल्यूम होगा, तो आपका आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा थर्ड मेटा ब्रोमो टॉल्यूम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ, 13वां क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन ए ब्रोमीन से प्रतिस्थापन द्वारा अभिक्रिया करके एक एल्किल ब्रोमाइड देता है जो कि भूर्ज अभिक्रिया द्वारा गैसीय हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है जिसमें 4 से कम कार्बन परमाणु हैं। 4 से क्या होते हैं कम कार्बन परमाणु हैं, वो गैसीय हाइड्रोकार्बन बनता है। तो यहाँ पर पहले इसको मैं बता देता हूँ फिर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हाइड्रोकार्बन की बात करते हो तो हाइड्रोकार्बन कौन सा है, ए कह रहा है ए ब्रोमीन से प्रतिस्थापन द्वारा अभिक्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनता है, एल्किल ब्रोमाइड बनेगा। जैसे यहाँ पर मैंने मानते अपन कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि मेरे पास में पहले लेता हूँ CH4 एक कार्बन वाला नहीं है, CH4 ले लिया जिसकी रिएक्शन में किससे कराता हूँ Br2 से कराता हूँ, और Br2 से कराऊंगा तो यहाँ से HBr बाहर निकलेगा और बनेगा क्या CH3Br2 जिसको अपन कहते हैं मेथिल ब्रोमाइड, क्या कहते हैं इसको अपन मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है मेथिल ब्रोमाइड कहेंगे। इस मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर भूर्ज अभिक्रिया कराएंगे दो मेथिल ब्रोमाइड से CH3Br और इसके यहाँ पर भी क्या लेते हैं 2Na और प्लस Br और यहाँ पर CH3, ये इसको अपन कहने का दो मेथिल ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल लेंगे जब इसकी रिएक्शन सोडियम से कराएंगे भूर्ज अभिक्रिया कह सकते हैं इसको, तो यहाँ से 2Na Br बाहर निकल जाएगा और बनेगा एक तरह से CH3, जिसको अपन कहते हैं एथेन, क्या कहते हैं अपन एथेन, ठीक है। तो ये था जिसमें 4 से कम कार्बन मतलब 4 से मतलब 2 कार्बन बन रहा है, तो इसका आंसर जो होगा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर
ये जो मैथेन होता है जब बी आर टू से रिएक्शन करता है तो मेथिल ब्रोमाइड बनता है, एल्किल ब्रोमाइड बनता है, जिसको कहते हैं जिसकी ऊर्जा अभिक्रिया होती है तो कम से कम दो कार्बन का एक रिएक्शन प्रोडक्ट मिलता है जिसको अपन एथेन कहते हैं। जिसका मतलब कि यहाँ पर जो ए होगा वो क्या हो सकता है, सी एस फोर मतलब मैथेन हो सकता है, क्या हो सकता है, मैथेन हो सकता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पे सॉल्व किया है। धन्यवाद।